अल्ट्रा भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाना न भूलें। मैं ओंकार कला के माध्यम से जो प्राणी धर्म संस्कृति सभ्यता व मानवता की रक्षा व पोषण करते हैं, ऐसे कलाकारों की कला में निखार उत्पन्न करने वाला मैं एक अदृश्य कलाकार हूं। मैं ओंकार परिवर्तन की प्रक्रिया से गणेश व माता पार्वती चकित होते हैं, तब मां महाशक्ति परिवर्तन की अनिवार्यता का रहस्य स्पष्ट करती है। भगवान विष्णु लक्ष्मी ब्रह्मा नारद इंद्र शची व देवगण सर्वव्यापक कंपन से विस्मित होकर कैलाश पर एकत्रित होते हैं, तब प्रकाश बिंदु से अवतरित भगवान शिव परिवर्तन के रहस्य का महत्व स्पष्ट करते हुए सभी का समाधान करते हैं। स्वामी, अपन ने रात को देखा ना, तराशू की पुत्री पढ़नी तुम रूप में कैसा मोहित हुआ। तो को क्या स्वामी, हम तरासू के पाहुने हैं ना, उसके मन में हमारी सद्भावना है, हमारा मन में भी उसका उपकार होना ना। तो तुम ही बताओ ना, हम कैसा उसका उपकार का उत्तर दे सकेगा। तुम्हारे कारण हो रहा है, मेरे कारण? हाँ, यहाँ आने का लालच तुम इन्हें जगाई, हमारे साथ यहाँ आने का इच्छा भी तुम्हारा, आदिवासी बनने का चाव भी तुम्हारा। अब जब आदिवासी बनना तो रीति नीति तो निभाना होगा ना तुम्हारो। आओ अर्जुन भैया, खाने खाओ जी। अर्जुन भैया, हमको कुछ कहने को होता जी। तो कहो। तनिक संकोच होता जी। ओहो, संकोच छोड़ो और कहो। आप भी देखता, मैं भी देखता, आप भी समझता और मैं भी समझता। क्या? यही कि हमारा पुत्री पल्ली आपका सेवक तुमरू पर मोहित हो गया जी। किंतु परासु भैया, आप बताया कि सोमवार के दिन पन्नी के विवाह होना, ऐसे में उसका तुम्बुरु पर मोहित होना क्या मर्यादा होगा? नहीं नहीं नहीं, हमारा समाज में पुत्री का सुकम पर विचार पहले करने का होता। पुत्री चाहे पहले से निश्चित वर का परित्याग कर नया वर चुनने को सकता। हाँ। आ तरासू भैया, हम तुमरू को पलनी से विवाह करने को मनाएगा। मेरी पुत्री का सुख के लिए ऐसा करना मेरे ऊपर उपकार करना जी है। अर्जुन भैया, विवाह का चर्चा तो होता रहेगा, आप फल खाइए ना जी। Thank you.
कब भी कर गया तुम रू, अभी तक लौट कर आने को नहीं होना। बोला भी नहीं किधर मैं जाता और कभी मैं आएगा। अर्जुन भैया, तुम रू अभी तक आए नहीं। हमको भी यही चिंता, किधर में गया वो। बोला तो होएगा कि कहाँ को जाता, बोल कर जाता तो बुलाकर नहीं लाता हम उसको। पहले भी क्या कभी ऐसा किया है। घूमने फिरने का स्वभाव है उसका। उसके पाँव में चक्कर भी होता। उसको तीनों लोका में घूमने को होना। तीनों लोका में उसको एक राम एक लोक जैसा लगता। अयो, ये तो कष्ट वाला सूचना होता। वो इधर का वन प्रदेश के विषय में नहीं जानता। कोई वन पशु उस पर आया तो प्राण संकट में होना। हाँ तंबुरु, पशुओं से बचकर निकलने का जानता भी नहीं। पशुओं से बचकर निकल को नहीं जानता, ये तो और भी चिंता का बात। अभी क्या होना, चिंता तो हमको भी होता। आपका चिंता से मेरा चिंता बढ़ा। आपका तो वो केला सेवक, परंतु मेरा तो होने वाला जमाता है ना, उसको ऐसा नहीं जाने को होना था, कुछ सोचने को होना था। यदि उसको कुछ हो गया तो हमारा क्या होएगा, क्या होएगा हमारा। उसको खोजने का तो किधर में खोजेगा। इतने बड़े वन में पशु पक्षियों के बीच किधर खोजेगा जी। फिर भी मैं देखने को जाता। स्वामी, तुम्बरू ने यहाँ क्या विपदा खड़ी कर दी। तुम्बरू को एक स्थान में अधिक समय तक टिकने को नहीं होना। उसको समाचार इधर उधर देने को, समाचार लेने को भी होना। वही करने गया होगा। माता, माता यही प्रश्न तो मेरा भी है कि आप दोनों ने मिलकर मुझे ये कौन से झंझट में डाल दिया। माता, अर्जुन भाई, अब अधिक समय मैं सॉन्ग में नहीं रह सकता। कृपया कर आप मुझे आज्ञा दें, ये सॉन्ग मैं यही समाप्त कर देना चाहता हूँ। झंझट में तो तुम फंसी गया तुम्बरू। इसको यही समाप्त करके तुम उस अबोध कन्या पलनी पर अन्याय क्यों करेगा। क्या तुम प्रेम सरिता के मझधार में उसका त्याग करने को सोचता। अय्यस्वान, कैसा त्यागम और कैसा प्रेम, कैसा न्यायम और कौन सा सरिता अर्जुन जी, ये सब आपका लीला है जिसके भंवर में मैं फंस गया, अब डूबने वाला है। अर्जुन जी, ये लीला समेटो समेटो, ये लीला समेटो अर्जुन जी, मेरे को भंवर से ऐसा बाहर निकालो अर्जुन जी। फिर तुम कैसा क्या करेगा तुम रू। अर्जुन जी, आपकी आज्ञा लेकर यहाँ से पलायन करना। अब अधिक समय मेरा यहाँ रहना उचित नहीं अर्जुन जी, मेरे और पलायन के हित में नहीं। मेरी उपस्थिति यहाँ को संकट को जन्म देगी, अब मैं जाता। सुनते तुम रू हमको यहाँ तक लाकर पलायन करने को बोलता, क्या इसको जाने को देना। तुम्बरू के होने से विनोद से वातावरण मन भावन होता, इसीलिए तुम्बरू चिंता छोड़कर यही ठहर जाना। नहीं माता, मैं ठहरता पर वो पलाने को मैं डरता, अब मेरा यहाँ रहना संभव नहीं। मैं जाता माता, मुझे आज्ञा दो। मुरुगन स्वामी की जय। क्या तुम्बरू यहाँ आया होता, मैं उसका आवाज सुना। हाँ, आया होता, अब चला गया। और लौट कर कभी नहीं आने को होना। क्यों, क्यों नहीं आने को होना। पलनी, एक भूल हो गया। आई, कौन से हुई गया भूल। आधा हमसे होता, आधा तुम्हारे पिता तरासू से होता। आई, पर मुझसे तो कोई भूल नहीं होया ना, फिर भी मेरे को परिणाम भोगने को होना, वो भूल का जो मैं किया भी नहीं। ऐसा नहीं होने को होना पलनी। विधि के विधान में कहीं भी
दोष नहीं होता रे। पर मेरा भी क्या दोष होना, कौन बताएगा मेरा दोष? इतना ही कि तुम तरासू की पुत्री होती, जो कि शीघ्रता में बिना विचार किए परंपराओं को तोड़ता और निर्णय लेता। और हमारा दोष ये है कि तुम्हारे पिता की शीघ्रता के सामने हम प्रकट नहीं किया कि तुमरू विवाहित होता और बच्चों का पिता होता। ए पल्ली, तुमरू बाल बच्चों वाला होना। स्वामी, तुमरू के लिए हमको असत्य भाषण करना, क्या ये कर्म हमारे लिए उचित होता? पलनी का भ्रम और मोह तोड़ने के लिए ऐसा करना आवश्यक होता मल्लिका। वैसे भी भील भीलनी का भेष धारण करके नाटक तो हम करता, ये नाटक तुमरू और पलनी के लिए करना ना? अरे स्वामी, नाटक तो हम तुमरू और पलनी के हित में किया। और हित में बोला गया असत्य असत्य नहीं होता, वो किसी भी सत्य से बड़ा सत्य सिद्ध होता है। हित, चिंतन और लोक कल्याणकारी भावना ऐसे असत्य की कालिमा को मिटा देता। इसके विपरीत कटु सत्य, जो किसी के मन को पीड़ा पहुंचाए, किसी भी असत्य से अधिक दोषपूर्ण होता। जी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवऋषि नारद प्रणाम। कुमार कार्तिकेय, मैं आपसे क्षमा याचना करने आया हूँ। क्षमा याचना मुझसे? मेरे सम्मुख आपका ये क्षमा याचक का रूप शोभा नहीं पाएगा देवऋषि। हाँ, आपके सम्मुख मैं क्षमा याचना का अधिकारी अवश्य हो सकता हूँ। उसकी आवश्यकता ही नहीं होगी कुमार कार्तिकेय। सत्य यह है कि आप माता पिता के दर्शन के लिए अति उत्सुक हैं, और ये बात भगवान भोलेनाथ से छिपी नहीं रह सकती थी। मैं आपका संदेश भगवान शिव तक पहुँचाता उससे पहले ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश से प्रस्थान कर चुके थे। अच्छा, वे यहाँ आए हैं? हाँ, आए तो हैं, किंतु एक बाधा उपस्थित हो गई है। माता पिता को पुत्र से मिलने में क्या बाधा हो सकती है देवऋषि? मैं आपके और उनके मिलन का श्रेय स्वयं प्राप्त करना चाहता था, इसी इच्छा ने बाधा उपस्थित की और विलंब भी किया। इसी कारणवश मैं आपसे क्षमा याचना करना चाहता था। क्षमा और याचना दोनों को भूल कर ये बताए देवऋषि, इस समय वे है कहाँ? आपकी उत्सुकता और प्रश्न का समाधान करने में भी मैं विवश हूँ, क्योंकि मैं माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की उत्सुकता समाप्त नहीं कर सकता। परंतु आप निश्चिंत रहे कुमार कार्तिकेय, वे आपके समीप ही है, निकट भविष्य में आपकी उनसे भेंट भी होगी। अब मुझे आज्ञा दी। नारायण नारायण। कैसी लीला है, समीप होकर भी सम्मुख नहीं है। मैं भी आपकी उत्सुकता समाप्त करना नहीं चाहता। अब तो जब तक आप स्वयं आकर मुझे दर्शन नहीं देंगे, मैं अपने धैर्य को धारण करूंगा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
जाने से पल्ली रोता, उसको बहुत दुख होता। देखते ही मोहित होना ठीक नहीं, रोना ही होना। चुप बेटा, चुप बेटा, चुप पुत्री, चुप। रोना नहीं, रोने का नहीं। मैं सब सुना और देखा पुत्री, सब सुना। ये सत्य है कि पिता की भूल का भुगतान संतान को करना होता। मैं शिखर दामे निर्णय लिया, अर्जुन के प्रति अन्याय किया, उसका दंड मेरे को मिला। तू अर्जुन को बुलाया ना, उसका दंड तेरे को मिला। तुम्बरू के अचानक अदृश्य होने से मेरा मन शंकित हो गया होता, इसलिए मैंने फिर से अर्जुन के पास जाकर उसे मना लिया हूं। जा बेटा, जा। मुर्गुन स्वामी ने हमारा लाज रखा। जा, तू तैयारी कर, मैं आता। जा, जा।